इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर मंगलवार को कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सुबह गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी चिड़ियाघर के पास एकत्रित हुए और इंदिरा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने हैनी ट्रैप मामले में हुए नए खुलासे को लेकर कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, हमारे इरादों में खोट होती तो FIR ही नहीं दर्ज होती। गृह मंत्री बच्चन ने स्वर्गीय गांधी को याद करते हुए कहा कि देश की सत्ता संभालते हुए उन्होंने सभी वर्गों का विकास किया है, उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया, हरित क्रांति श्वेत क्रांति के साथ ही गरीबी घटाओ और देश बचाओ का नारा भी दिया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने संकल्प लिया सभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। हनी ट्रैप मामले में एक और खुलासे के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस के साप्ताहिक अवकाश पर कहा कि पूरा मसौद बनकर तैयार हो चुका है, जल्द पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगेगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी वो बेटी रही, नेहरू जी के साथ में वो पूरे समय तक साथ में रही, उनसे खूब शिक्षा और खूब उनसे प्रेरणा ली है और उनसे इंस्पायर्ड होकर बाद में जब उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली और देश की जो प्रधानमंत्री के रूप में जो सत्ता जो संभाली, मैं समझता हूँ कि सत्ता को संभालते हुए जिस तरह से उन्होंने देश का सर्वहारा वर्ग का जो सर्वांगीण जो विकास किया है वो हम सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण भी किया, हरित क्रांति श्वेत क्रांति, और जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी जो बोल रहे थे कि गरीब देखिए, बिल्कुल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है और उनका जो जन्म है 1917 को जो हुआ था, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी होने के कारण और उनके साथ बहुत समय वो देती थी और ज़बरदस्त राजनीति में उनकी रुचि भी थी, तो नेहरू जी के साथ नेहरू जी से उनने सीख और प्रेरणा लेते हुए सब कुछ उन्होंने एक समय रहते हुए अपनी मैच्योरिटी प्राप्त की, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और उसके बाद वो प्रथम बार 1967 में प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 1971 में वो उसमें वीकली मतलब साप्ताहिक अवकाश देने का कंप्लीट हमारी जो कार्रवाई जो थी वो हो चुकी है। स्टार्टिंग में कुछ किया था तो उसमें कुछ कमियाँ छूट गई थी, लेकिन अब कार्रवाई पूरी कम्प्लीट हो जा चुकी है और बहुत जल्द हम उसको मूर्त रूप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, अगर जो भी इसमें शामिल है, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, अगर हमारे इरादे स्पष्ट नहीं होते और हमारे इरादों में अगर कोई खोट होती तो FIR ही नहीं होती। जो जो भी इसमें जो शामिल है, देखिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि कानून से बढ़कर और कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है और कानून के बहुत लंबे लंबे हाथ है और कानून से कोई बच नहीं पाएगा। और अभी तो मध्य प्रदेश में कानून का पालन कराने का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पास है, तो इस पर कार्रवाई होगी और हम लोग इस पर बिल्कुल जो भी शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई भी दोषी बच नहीं पाएंगे हमारी कार्रवाई से।